गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम क्लास एर्थ की साइंस को पढ़ेंगे। क्लास एर्थ का जो साइंस का नेक्स्ट इसमें जो पैराग्राफ है आज हम उसको पढ़ेंगे। हमारा है अब जो है आगे फैलो फील्ड। फैलो मीन्स होता है परती भूमि। एन अदर मेथड दैट अलाउज द सॉइल टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी नेचुरली इज टू लीव द लैंड फैलो विदाउट ग्रोइंग एनी क्रॉप फॉर वन और मोर सेशंस। एन अदर मेथड जो उसका दूसरा मेथड दैट अलाउज करता है द सॉइल टू रिगेन। सॉइल को कैसे रिगेन किया जाएगा इट्स फर्टिलिटी नेचुरली, इसकी जो उर्वरकता है उसको नेचुरली हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। इज टू लीव उसको हम छोड़ देते हैं द लैंड फैलो विदाउट ग्रोइंग, इस पे बिना कुछ उगाए ऐसी छोड़ देते हैं एनी क्रॉप कोई क्रॉप फॉर वन और मोर सीजन्स उसके कई सीजन के लिए एक सीजन या अन्य सीजन के लिए छोड़ देते हैं। ऑल दिस वाइल इस समय क्या होता है डेड प्लांट्स जो उसमें डेड प्लांट्स होते हैं मरे हुए एंड एनिमल्स आर डीकम्पोज और वो क्या होने लगते हैं डीकम्पोज मतलब वहीं पर वो सड़ने गलने लगते हैं मतलब अपना अस्तित्व खत्म होता है उनका। द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन दी सॉइल और जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में अपना एक्शन करते हैं। दस न्यूट्रिशंस गेट एडेड टू द सॉइल। तो फिर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशंस हैं जो पोषक तत्व हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं। जैसे आपने अपने आसपास ही देखा होगा कि गली मोहल्ले के कुछ आपके जो किसान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी कहेंगे नहीं इस साल हम इस सीजन में कोई फसल नहीं रखेंगे इसको 3 महीने के लिए खाली छोड़ देंगे। तो खाली छोड़ने से ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं हो रहा है, उसमें इसके बावजूद भी एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि जो खेत को नेचुरली फर्टिलिटी देने में कारगर साबित होती है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है इरीगेशन। किस अगर आप कोई भी व्यक्ति जो खेती करता है उसके लिए इरीगेशन के बारे में जानना और इरीगेशन की तकनीक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो सभी कहते हैं इरीगेशन कर दिया हमने चलिए पानी ऐसे ही खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है। हमें एक ये देखना होता है कि किस प्लांट को कितनी वाटर की सप्लाई की आवश्यकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक बाजरा होता है उसको कम आवश्यकता होती है, वो धान की फसल होती है उसको अधिक होती है। अब देखिए वाटर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो वाटर है इसेंशियल मीन्स होता है नेसेसरी इम्पोर्टेंट आवश्यक महत्वपूर्ण कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मतलब किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट क्या है वाटर। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट जो भी बात मैं कह रहा था अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्रत्येक क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है जो वाटर की वो अलग अलग डिफरेंट होती है उसको डिफरेंट अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। इरीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप। इरीगेशन इज द प्रोसेस बाई विच सफिशियंट क्वांटिटी जो इरीगेशन है उसकी प्रोसेस के लिए सफिशियंट मतलब पर्याप्त क्वांटिटी होनी चाहिए ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप जो फसल के लिए सप्लाई होती है वाटर उसकी क्वांटिटी पर्याप्त होनी चाहिए। वारियस में तो विभिन्न सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल्स में होता है कुआ ट्यूबवेल्स होते हैं पॉन्ड्स तालाब होते हैं लेक रिवर्स नदी डैम आपने देखे जैसे भाखड़ा नांगल है हीरा कुंड है इस प्रकार के एंड कैनाल्स में होता है नहर मतलब ये वारियस सोर्स अलग अलग सोर्स हैं किसके सिंचाई के कैसे कुआ हैं ट्यूबवेल हैं पॉन्ड्स हैं तालाब हैं लेक झील हैं रिवर्स नदी है डैम्स हैं और कैनाल्स हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट इसका जो पेज है उसको देखेंगे। इफेक्टिव इरीगेशन इज द कंट्रोल्ड एंड यूनिफॉर्म
सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट एट द राइट टाइम विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव इरीगेशन जो मतलब असरकारी सिंचाई है उसके लिए क्या होना चाहिए, इज द कंट्रोल, उसको कंट्रोल होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, और उसकी जो यूनिफॉर्म सप्लाई है वो फसल में होनी चाहिए। इज द रिक्वायर्ड अमाउंट, उसके लिए जो पर्याप्त अमाउंट है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, एट द राइट, उस वो सही होनी चाहिए, राइट टाइम सही समय पर होनी चाहिए, विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। और उसमें हमें ये भी देखना है कि उसमें एक्सपेंडिचर क्या हो, जो उसमें खर्च हो, लागत हो, वो कैसी हो, वो मिनिमम होनी चाहिए। अब हम इसमें आगे चल के ट्रेडिशन जो इरीगेशन के जो मेथड है उनको समझेंगे। इसी में से एक है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत जो सिंचाई की प्रक्रिया है उसको समझेंगे। इट इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स एंड कैनाल्स एंड इरीगेशन द फील्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर को खींचते हैं कहाँ से, वेल से, कुओं से एंड कैनाल से लेते हैं, इरीगेटिंग द फील्ड्स, और हम अपने जो खेत हैं उनको इरीगेट करते हैं। ओल्ड टेक्निक्स ऑफ ड्रॉइंग वाटर, जो पुरानी तकनीक है पानी खींचने की लेने की, फ्रॉम दी वेल आर मोट, मोट मीन्स होता है खंदक, जो खंदक होता है, वेल आर मोट विच यूज ए पुली, जो खंदक होता है, जो मोट होता है, उसमें क्या है, पुली होती है, घिरनी, जो आपने जो कुओं के ऊपर घिरनी लगी देखी हो लोहे की, उसी को कहते हैं पुली। चैन पंप होता है, एंड ढेकली एंड रेहट वगैरह, ये ढेकली क्या है, ये हाथ से पानी को किसी एक गड्ढे से ढेकली और रेट की मदद से बाहर निकाला जाता है। सच मेथड्स ऑफन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर, जो ये मेथड है वो अक्सर क्या करते हैं, ये पानी की बर्बादी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हालांकि जो इसमें स्वतंत्रता के बाद इसमें काफ़ी चेंज आए हैं, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अक्रॉस रिवर, जो मतलब कंस्ट्रक्शन किया गया है डैम का किसके ऊपर, रिवर के ऊपर। वाटर फ्रॉम डैम इज कैरीड बाई कैनाल, पहले क्या किया जाता है, रिवर के पानी को रोक के डैम बनाया जाता है, डैम से उस पानी का ट्रांसफ़र किस में किया जाता है, कैनाल से मतलब नहर में, टू ड्राई रीजन्स। ड्राई रीजन्स का मतलब है कि जहाँ पर सूखे क्षेत्र हैं, कहने मतलब वहाँ पर पानी की कमी रहती है। एक एग्जांपल देते हैं आपको, इज़ द इंदिरा गांधी कैनाल, ये भारत की सबसे पुरानी नहरों में आती है। एंड इरीगेट्स ड्राई एरिया, और ये इरीगेट किसको करती है, ड्राई एरिया, जो सूखे, जो जैसे कि है गांधीनगर, गुजरात का जो क्षेत्र है गांधीनगर, उसमें ड्राई एरिया क्या है, गांधीनगर, उसको कवर करती है। एंड बीकानेर भी राजस्थान में है, जो कि किससे सिंचित होता है, इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। इन साउथ इंडिया में टैंक्स आर यूज टू स्टोर रेन वाटर, पहले क्या करते हैं, ये टैंकों के अंदर जो रेन वाटर होता है, जो वर्षा का पानी होता है, इसको स्टोर किया जाता है। वाइल इन नॉर्थ इंडिया डैम, नॉर्थ इंडिया में क्या है, डैम्स हैं, वेल एंड ट्यूबवेल्स, टैप ग्राउंड वाटर विच अकाउंट्स फॉर ओवर 50% ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, जो नॉर्थ इंडिया में क्या है, डैम्स मतलब जो बांध हैं, जो कुएं हैं और ट्यूबवेल हैं, टैप ग्राउंड वाटर है, इसकी मदद से करीब 50% सिंचाई की जाती है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।